Hello guys, welcome to electrical engineering. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world by Nelson Mandela. आज का जो लेक्चर है हमारा, आज हम कवर करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर. तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर इसका ये सीरीज में सेकंड लेक्चर रहेगा हमारा. तो आइए देखते हैं इसको. पहले हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस, इंडक्टर और हमारा एक ये हमारा है आर ए, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर. ये हमारा है सिंक्रोनस रिएक्टेंस. ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज. ये हमारा आर्मेचर करंट और ये हमारा ईएमएफ, एक्साइटेशन ईएमएफ जो इंड्यूस होगा. तो इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से हम केवीएल लगाकर, इसमें केवीएल लगाकर हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. इसको हम जेड एस लिख सकते हैं, आर ए प्लस एक्स एक्सिस को, सिंक्रोनस रिएक्टेंस को. जेड एस क्या हो जाएगा हमारा, आर ए प्लस जे एक्स एस. एस जो हम सबस्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं ये सिंक्रोनस को रिप्रेजेंट करता है. तो ये हो गया हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस और इसको कहेंगे हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस. तो यहाँ पे हम जब के वेल लगाएंगे तो वी इज इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास. और यहाँ से हम लिख सकते हैं ई एफ इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक हमारे टर्मिनल वोल्टेज के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक जगह हम एक्साइटेशन ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये इक्वेशन वन और इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम जो है फेजर डायग्राम बनाएंगे तीन कंडीशन के लिए. पहला होगा हमारा लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा होगा हमारा यूनिटी पावर फैक्टर और तीसरा होगा हमारा लीडिंग पावर फैक्टर. लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब ये है कि जो हमारा करंट है, करंट जो है हमारा वो लैग करेगा वी से. यूनिटी का मतलब क्या है, आई इन फेज विद वी. और लीडिंग का मतलब है कि हमारा आई यानी करंट लीड्स वोल्टेज. तो आइए पहले कंडीशन देखते हैं कि हमारा फेजर डायग्राम कैसे बनता है एट लैगिंग पावर फैक्टर. तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन हम देख लेते हैं, हम जो ले रहे हैं वो है ई एफ इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए आई ए आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस. तो हम पहले वी को रेफरेंस ले लेते हैं, हमने वोल्टेज वी को रेफरेंस लिया. अब क्योंकि हमारा लैगिंग है, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, तो हमारा आई ए जो होगा वो वी से लैग करेगा. तो हमने आई ए को लैग बना दिया, लैगिंग नेचर का बना दिया. अब वी में हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है आई ए आर ए. अगर हम यहां से आई ए बनाएंगे तो आई ए हमारा इस डायरेक्शन में आएगा,
लेकिन क्योंकि हमारे पास माइनस आई है, माइनस आई, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये फेज़र है आई का, और अगर इसको हम जे से मल्टीप्लाई करें तो जे आई ये बन जाएगा, फिर जे से फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनेगा जे स्क्वायर आई, लेकिन जे स्क्वायर क्या होता है हमारा, माइनस वन के बराबर होता है, तो ये माइनस वन। तो इसका मतलब है कि इसके अपोजिट हमारा आई ए बनेगा, ये हमारा माइनस आई ए, माइनस आई ए आर ए। आई ए आर ए जो है हमारा रेजिस्टिव ड्रॉप है, इसलिए ये आई के फेज में रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा आई ए आर ए ये होता तो माइनस आई ए आर ए ये हो जाएगा, तो ये फेज अपोजिशन में। इसके बाद है हमारा माइनस जे आई ए एक्स एस। तो किसी भी फेजर को अगर हमें जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। अगर पहले हमारा आई ऐसे था, अगर आप देखें, अगर हमारा आई एक्स एक्सिस पे था, उसको हमने जे से मल्टीप्लाई किया तो वो वाई एक्सिस पे मूव हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास माइनस आई ये है और इसको अगर हम जे से मल्टीप्लाई करें तो ये 90 डिग्री इधर मूव हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा हमारा, ये होगा हमारा ई एफ। दूसरी इक्वेशन हमारे पास दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वी इज इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स एस। तो इसमें हम ई एफ को रेफरेंस ले लेते हैं, आसानी के लिए हम इसको डाउनवर्ड्स ले लेते हैं, हमारा ई एफ हो गया, और इससे लैगिंग हम अपना आई ए ले लेते हैं। जो हमारा आर्मेचर करंट है वो ई एफ से लैग करेगा मोटर के अंदर, वो कुछ कंडीशंस हमारी रहती हैं, तो उसमें हम बाद में देखेंगे आने वाले क्लासेस में कि ये आई ए जो है कब हमारा ई एफ से ई से लैग करेगा या लीड करेगा। तो हमारा लैगिंग लैग कर रहा है। अब इसमें हमें ऐड करना है आई ए आर ए, तो आई ए आर ए ऐड करने के लिए हमें इसके पैरेलल में यहाँ से लाइन बनानी पड़ेगी, फेजर बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आई ए आर ए। आई ए आर ए क्योंकि हमारा रेजिस्टिव ड्रॉप है, इसलिए आई ए के फेज में होगा। अब इससे 90 डिग्री जो होगा वो हमारा होगा जे आई ए एक्सेस। तो ई एफ ये हो गया हमारा ई एफ आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस। तो ये क्या आएगा हमारा रिजल्टेंट, ये आ जाएगा हमारा वी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये फेजर है, और इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमारा ये फेजर है। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम एट यूनिटी पावर फैक्टर। तो इक्वेशन हम ले लेते हैं पहली, ई एफ इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस। यूनिट पावर फैक्टर मतलब ये है कि वी और आई हमारे सेम फेज में होंगे, यानी दोनों के बीच का जो फेज एंगल है वो हमारा ज़ीरो होगा। तो पहले हम रेफरेंस ले लेते हैं, वी हमारे पास ये रेफरेंस आ गया, आई ए हमारा फेज में रहेगा, आई ए क्योंकि आई ए हमारा इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स, तो माइनस आई ए जो है हमारा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आई ए आर ए हमारा ये हो जाएगा माइनस आई ए आर ए। इसके बाद है हमारा माइनस जे आई ए एक्स एस।
यानी इसको हमें जे से मल्टीप्लाई करना है आई ए को। अगर हमारे पास माइनस आई ए निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसको अगर हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा हमारा फेज़र। तो माइ जे माइनस जे आई ए हमारा ऐसे बनेगा। तो ये हो गया हमारा माइनस जे आई ए एक्सेस। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा हमारा ई एफ। ये हो गया हमारा ई एफ। दूसरा दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम, वी इज इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस। तो हमने देखा कि यहाँ पे ई एफ और आई ए में जो रिलेशन है वो लीडिंग नेचर का है। आई ए हमारा लीड करेगा और ई एफ हमारा क्या करेगा, लैग करेगा। तो हम या तो आई ए को आप रेफरेंस ले लो या फिर ई एफ को ले लो। तो अगर हम आई ए को रेफरेंस लेते हैं तो हमारे पास ई एफ लैगिंग नेचर, इसमें हमें आई ए आर ऐड करना है तो ये हमारा आई ए आर ए हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा आई ए जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसको जब हम जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फेज़र बन जाएगा वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉक वाइज, जे इंटू आई ए। तो ये हमारा जाएगा जे इंटू आई ए एक्सेस। इसको जब हम यहाँ से ई एफ, ये हमारा ई एफ है, ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस, ये हमारा बनाएगा वी। ये हमारा बन जाएगा वी। ये दोनों आई ए और वी जो हैं सेम फेज में रहेंगे। तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम फॉर यूनिटी पावर फैक्टर फॉर सिंक्रोनस मोटर। अब अगला देखते हैं, पावर फैक्टर ऑफ सॉरी फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो पहली क्वेश्चन हमारी वही रहेगी, ई एफ इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस। तो इसमें हम पहले वी को रेफरेंस ले लेते हैं। वी हमने रेफरेंस ले लिया। अब क्योंकि लीडिंग नेचर का है तो हमारा जाहिर सी बात है आर्मेचर करंट जो है हम लीडिंग बनाएंगे। वी माइनस आई ए आर ए, आई ए ये है तो इसके अगर यहाँ बनाते तो आई ए हमारा ये बनता, क्योंकि माइनस आई ए बनाना है तो ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। ये हो गया हमारा माइनस आई ए आर ए। अब इसको हमें 90 डिग्री मूव करेंगे तो हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब हम बनाएंगे तो हमारा ऐसे बन जाएगा माइनस जे आई ए एक्सेस। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा होगा ई एफ। ये हमारा ई एफ। दूसरा इक्वेशन, वी इज इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए आर ए माइनस जे सॉरी प्लस जे आई ए एक्सेस। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हम पहले ई एफ बना सकते हैं, तो अपने अंदाजे से अगर आपको आई ए रेफरेंस लेना है तो आप ये आई ए रेफरेंस ले लीजिए और इससे लैगिंग हमारा
ईएफ बन जाएगा। ईएफ में हमें ऐड करना है आईएआरए, आईए ये है, इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे हम, जो हमारा फेजर हो जाएगा आईएआरए। अब इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम जे ऑपरेटर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जे आई ए एक्सेस ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस हमें क्या रिजल्ट दे देगा, वी दे देगा। तो हम इसको जब कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारा वी हो जाएगा। तो ये हमारे तीन फेज डायग्राम हमने पढ़ लिए कि पावर फैक्ट एट पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एट लैगिंग पावर फैक्टर एट यूनिटी पावर फैक्टर। होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इन द एंड एक बार समरी देख लेते हैं कि फर्स्ट फिगर जो है लैगिंग पावर फैक्टर की है, ए और बी, ए वन ए टू। फिगर वन और फिगर टू, यानी कि ए वन और ए टू लैगिंग पावर फैक्टर के लिए है, बी वन बी टू हमारी यूनिटी पावर फैक्टर के लिए है, सी वन और सी टू हमारी किस लिए है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए है। ये अशफाक हुसैन बुक से लिया गया है इमेज। तो एक बार मैं इसमें समझाता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि किसी को समझ में नहीं आया हुआ। तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हमने पहले वी को रेफरेंस बनाया, ये हमारा वी फेजर है। आईए हमने लैगिंग बनाया, ये हमारा आईए आ गया, और इसके अपोजिट आएगा हमारा माइनस आईएआरए, ये इसके अपोजिट में आ गया 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री फेज डिफरेंस आईएआरए। और फिर आईएएक्सेस माइनस जे लगा दें आप, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जे लगाएं ना लगाएं वो सेम चीज़ है। तो आईएआरए हमारे पास ये हो गया, आईएएक्सेस हमारे पास ये आ गया, और इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ईएफ आ जाएगा। सिमिलरली ये इक्वेशन वन के लिए था, जहाँ पे ईएफ हमारा वी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एक्स इज इक्वल टू ई एफ था। दूसरी इक्वेशन है हमारी वी इज इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस आई एक्स एस। तो यहाँ पे आप ई एफ को रेफरेंस ले लें, ई एफ को बना लें पहले, और लैगिंग नेचर में आई ए को बना लें। ई एफ प्लस आई ए आर ए, क्योंकि आई ए आर ए तो आई ए के सेम फेज में रहेगा, और इससे 90 डिग्री रहेगा हमारा आई एक्स एस। इसको कंबाइन कर देंगे तो हमारा वी बन जाएगा। ई और वी के बीच में जो एंगल होता है वो डेल्टा कहते हैं, पावर एंगल। फाइ जो एंगल है हमारा आई ए आर्मेचर करंट और वोल्टेज के बीच में है, जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर एंगल या फिर पावर फैक्टर। सिमिलरली यूनिटी पावर फैक्टर हमने पहले, यहाँ पे वी मेंशन नहीं है, आप वी मेंशन कर सकते हैं, ये हमारा वी है, वी ये हमारा आई ए है। तो माइनस आई ए हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, जहाँ से एरो ख़त्म होगा फर्स्ट फेजर का, सेकेंड फेजर का टेल वहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे एरो ख़त्म हुआ तो माइनस आई ए एक्सेस, इस फेजर को हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो वी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए एक्सेस इज इक्वल टू ई एफ। सेकेंड इक्वेशन जो हमारी थी, वी ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सेस इज इक्वल टू वी। ई एफ को रेफरेंस ले लीजिए, आई ए हमारा हॉरिजॉन्टल बना लीजिए एक्स एक्सेस के, आई ए आर ए आई ए के सेम फेज में रहेगा। तो हमने पहले आई ए आर ए बनाया, फिर इसे 90 डिग्री हमने आई ए एक्सेस बनाया, रिजल्टेंट को कनेक्ट किया तो हमारे पास वी बन गया। ये हमारा पावर एंगल। वी रेफरेंस लेंगे, आई ए हमने लीडिंग बनाया फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग। उसके बाद हमने वी माइनस आई ए आर ए, आई ए हमारा ऐसे है तो 180 डिग्री फेज अपोजिशन में, माइनस आई ए आर ए, इसे 90 डिग्री हमारा हो जाएगा आई ए एक्सेस, और वी माइनस आई ए आर ए माइनस आई ए एक्सेस हमारा ई एफ हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारी दूसरी क्वेश्चन थी, उसमें था हमारा वी इज इक्वल टू ई एफ प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए एक्सेस। तो उसमें ई एफ को रेफरेंस ले लीजिए या फिर आई ए को रेफरेंस ले लीजिए। तो आई ए से लैगिंग हम वी एफ ई एफ बनाएंगे, ई एफ प्लस आई ए आर ए रेजिस्टिव ड्रॉप है तो आई ए के सेम फेज में रहेगा, तो इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे हम, पैरेलल फेजर बनाएंगे। यहाँ से 90 डिग्री बनाएंगे आई एक्सेस के लिए,
इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास V आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे लें, ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है थोड़ा कंफर्टेबल होती है समझने के लिए, सिर्फ ये एक समझाने के लिए है कि हमारे पास आसानी हो जाती है और कुछ नहीं है। तो आई ए हमारा लीडिंग है, तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हो गया EF प्लस IARA प्लस IAXS इज इक्वल टू V। जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल बना हुआ है, तो RA और XS इसको मिलाएंगे तो हमारा इम्पीडेंस बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर है और सेम चीज़ यहाँ पर है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।